नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं आज तक भारत। एक्ट्रेस और पूर्व सांसद जयाप्रदा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। एक्ट्रेस और पूर्व सांसद जयाप्रदा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने धारा 82 की कार्यवाही करने का आदेश दे दिया है। मंगलवार को अदालत में पेश होने की तारीख थी। गैर हाजिरी रहने पर अदालत ने कहा कि जयाप्रदा के खिलाफ धारा 82 की कार्यवाही की जाए। जानकारी के लिए बता दें कि जयाप्रदा को पेशी पर बुलाने के लिए समन जारी हुए हैं। हर बार जयाप्रदा पेशी पर अदालत नहीं पहुंच रही हैं। पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा के खिलाफ रामपुर की एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट की तरफ से धारा 82 के तहत कार्यवाही के आदेश दे दिए गए हैं। हर बार जयाप्रदा पेशी पर अदालत नहीं पहुंच रही हैं। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कोर्ट में नहीं पहुंचने पर जयाप्रदा के ऊपर तकरीबन 9 बार गैर जमानती वारंट जारी हो चुके हैं। हालांकि अब लंबे समय तक कोर्ट में हाजिर न होने पर उनके खिलाफ फरार होने की घोषणा की गई है। पूर्व सांसद जयाप्रदा को गिरफ्तार कर अदालत में हाजिर किया जाएगा। अदालत ने विशेष पुलिस निरीक्षक की तैनाती के आदेश भी जारी कर दिए हैं। अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि जयाप्रदा का पता गैर राज्य का है। अदालत ने पुलिस अधीक्षक को जयाप्रदा की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित करने का आदेश दे दिया है। जी हां, टीम अदालत के आदेश का तामील कराएगी। 2019 में रामपुर से बीजेपी उम्मीदवार जयाप्रदा चुनाव हार गई थी। चुनाव में जयाप्रदा के खिलाफ खड़े हुए सपा उम्मीदवार आजम खान विजयी हुए थे। जयाप्रदा 2 बार सपा के टिकट पर चुनाव जीतकर लोकसभा में रामपुर का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन में अब जयाप्रदा की मुश्किलें बढ़ गई है। अब मामले की सुनवाई एक बार फिर से 6 फरवरी को होगी। एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट के अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि जयाप्रदा को बयान दर्ज करने के लिए कोर्ट ने तलब किया था। काफ़ी समय से जयाप्रदा कोर्ट में हाजिर नहीं हो रही थी। पुलिस द्वारा कोर्ट में बताया गया कि जयाप्रदा का मोबाइल फोन भी ऑफ बता रहा है। कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कार्रवाई की है और साथ ही पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी को टीम गठित कर जयाप्रदा को गिरफ्तार करने का निर्देश भी दे दिया है। सुनवाई की अगली तारीख 6 मार्च तय की गई है। अगर बात करें जयाप्रदा की फिल्मी करियर की, तो उन्होंने साल 1969 में रिलीज हुई फिल्म सरगम से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा था। इससे पहले उन्होंने साउथ सिनेमा में भी काम किया। अपने पूरी फिल्मी करियर में वो अलग अलग भाषाओं की 300 से ज़्यादा पिक्चरों में काम कर चुकी है। लेकिन अब कोर्ट में बार बार न पेश होने की वजह से अदालत ने उन्हें फरार घोषित कर दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आप तक और जानकारी पहुंचा सकें।